नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मॉक क्वेश्चंस फॉर फिल्म 2021 में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर 25 मार्च 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन दबा के क्वेश्चन नंबर वन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए हैज़ रिकमेंडेड जस्टिस एनवी रमना द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज द नेक्स्ट टॉप जज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सीनियर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा ना आंसर इज ऑप्शन डी और आर करेक्ट तीनों स्टेटमेंट्स है ठीक है दोस्तों मोस्ट प्रोबली जस्टिस एन वी रमना अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे साहब ऑलरेडी नाम रिकमेंड किया है नया चीफ जस्टिस को प्रेसेंट चीफ जस्टिस अपॉइंट करता है ठीक है यह इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कौन अपॉइंट करता है प्रेसेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगला चीफ जज जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं बाई कन्वेंशन द दोइ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द मोस्ट सीनियर देन सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज देखो दोस्तों एक्चुअली जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है उनको सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज का नाम रिकमेंड करना होता है बाई कन्वेंशन राइट पर ऐसा नहीं है अगर जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज है वो कैपेबल नहीं है या कोई केस इनके अगेंस्ट है ऐसा अगर लग रहा है तो इसके अगला सीनियर मोस्ट ज को भी मौका दे सकते हैं वैसे दोस्तों इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे ऐसा केस हुआ था सीनियर मोस्ट दो को करके तीसरा सीनियर को अपॉइंट किया था पुरानी कहानी है अब देखिए दोस्तों एट द अपेक्स कोर्ट इज नॉट एज एज कोई क्राइटेरिया नहीं है क्या क्या क्राइटेरिया देखिए डेट ए जज वाज अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगर कोई एक जज दूसरे जज से पहले अपॉइंट हुआ है तो वो सीनियर होगा ठीक है मतलब

जजेज ऑन द सेम डे देखो ऐसा भी तो हो सकता है अगर दोनों जज भी एक ही दिन बना वन विथ मोर ईयर्स ऑफ हाई कोर्ट सर्विस बीन इन दिन फिर ये देखा जाएगा मतलब क्राइटेरिया पहले वाला दोनों क्राइटेरिया सेम है तो फिर ये देखा जाएगा जिनके पास ज्यादा हाईकोर्ट का सर्विस है राइट right? फिर एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द बेंच वु ट्रंप इन सीनियोरिटी एन अपॉइंटमेंट फ्रॉम द बार मतलब अगर कोई डिविजन बेंच है सुप्रीम कोर्ट का अगर बेंच में से कोई है तो उनको भी दिया जाएगा जो बार एसोसिएशन से आते हैं उनको कम सीनियोरिटी दिया जाएगा राइट right? अब देखिए स्टेटमेंट्स सीनियो एट द द कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय डेट जज वाज टू द सुप्रीम कोर्ट वेरी वेरी करेक्ट इफ टू जजेस आर एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द सेम डे वन हु हैज सोन इन फर्स्ट एज ए जज वो ट्रम बना बिल्कुल सही इफ बोथ वेर सोन इन एज जजेस ऑन द सेम डे वन विद मोर इयर्स ऑफ हाई कोर्ट सर्विस वुड इन द सीनोटी स्टेक्स तो तीनों स्टेटमेंट सही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये लेटेस्ट न्यूज है क्योंकि अभी शरद ए सब रिटायर होने वाला है न्यूज में आया है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया चीफ जज सॉरी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जितने भी अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज है उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है क्वेश्चन नंबर टू रिसेंटली वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन मीटिंग ऑफ परमानेंट इंडस्ट कमीशन मस हेल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नवर ऑप्शन डी अगेन ऑल आर करेक्ट देखिए दोस्तों 116 मीटिंग ऑफ परमानेंट कमीशन अभी चल रहा है इसलिए न्यूज में है सो परमानेंट इंडस्ट कमीशन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए अब देखिए दोस्तों तीनों स्टेटमेंट सही है इंडस वाटर ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुराने टॉपिक है देखिए दोस्तों ये कराची में सही हुआ था नाइनटीन में तब के हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी और पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में

ये छह रिवर का इंडस चेनाब झेलम पाकिस्तान को ब्यास रेवियन सर्विस इंडिया को राइट अब देखिए परमानेंट इंडस कमीशन के बारे में परमानेंट इंडस कमीशन इज ए कम कमीशन ऑफ ऑफिशियल फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान क्रिएटेड टू इंप्लीमेंट एंड मैनेज गोल्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी अब देखिए दोस्तों इंडस वाटर ट्रीटी तो साइन हो गया इसके बाद दोनों गवर्नमेंट ने मिलकर एक परमानेंट इंडस कमीशन बनाया जिसमें वाटर कमिश्नर्स रहता है जो इंडस वाटर ट्रीटी के जितने भी एग्रीमेंट्स है पॉइंट्स है उसको मॉनिटर करते हैं की से, जो है, साल में एक बार ईयर कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से और जो बालाकोट स्ट्राइक पुलवामा स्ट्राइक यह सबकी वजह से हो नहीं पाया था क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ऐसे प्रॉब्लम चलते रहते हैं तो कई बार ऐसे मीटिंग्स पोस्टपोन हो जाते हैं पर इस बार तो हो रहा है अभी राइट अब देखिए दोस्तों अभी की जो परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग में काफी सारी चीजें डिस्कस हो रहा है ये सुबह की न्यूज में हर्षित सर ने डिस्कस किया था दो डैम के बारे में मैं इधर ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूं दोस्तों हमारे स्टेटमेंट्स में चलते हैं अब देखिए इंडस वाटर ट्रीटी इज एफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी साइन इन कराची ब्रोकोज वर्ल्ड बैंक वेरी वेरी करेक्ट परमानेंट इंडस कमीशन अकॉर्डिंग टू ट्रीटी शाल मीट रेगुलरली एट वन ईयर वेरी वेरी करेक्ट ट्रीटी इंडिया थ्रू रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऑन द वेस्टर्न रिवर्स वेरी वेरी करेक्ट देख दो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बोला था देखिए वैसे वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर इंडिया का कंट्रोल नहीं है पर इंडिया से बहती तो है इंडिया का आज इंडस्ट वाटर ट्रीटी मगर आज पर इंडस्ट वाटर ट्रीटी इंडिया के पास एक अधिकार है उसमें रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लगा सकता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए अब ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या है देखिए दोस्तों एक रिवर का नेचुरल फ्लो अगर इस तरह स्टीप में से है तो ये बीच में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है ऐसा नहीं कि कोई बड़ा सा डैम बना दिया पानी को ऐसे स्टोर कर दिया फिर पानी को डाइवर्ट कर लिया ये नहीं हो सकता रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट मतलब वही होगा पानी का नेचुरल स्टीप होना चाहिए मतलब पानी नेचुरली ऊपर से नीचे गिर रहा है फोर्स में गिर रहा है तो उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है राइट तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है ऑप्शन डी ऑल आर करेक्ट क्वेश्चन नंबर थ्री व्हाट इज डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरियंट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा द आंसर इस ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन टू कम इन सेम वायरस अब देखिए दोस्तों डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरियंट अभी इंडिया में दिखा है रिसेंटली न्यूज में आया था सुबह ये न्यूज हर्षा ने डेली न्यूज में कवर भी किया था अब देखिए दोस्तों जब दो म्यूटेशन एक ही वायरस के अंदर आता है उसको डबल म्यूटेशन बोलता है अब देखिए इंडिया में महाराष्ट्र दिल्ली, पंजाब एंड गुजरात में में से सैंपल्स कलेक्ट किए थे उसमें से ये दिखा है दोनों म्यूटेशन का नाम क्या है एक है ई फोर एट फोर क्यू एंड वन इज एल फोर फाइव टू आर देखिए अब इसका जो मॉनिटरिंग है रिसर्च है वो सब कौन कर रहा है आई एन एस ए सी ओ जी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर एक एजेंसी है इंडियन सार्स कोव टू कंसोशियम ऑन जीनोमिक्स

ऑल आर करेक्ट देखिए दोस्तों जूएस कनाल रिसेंटली न्यूज में आया था क्योंकि एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप कंटेनरशिप कनाल में जैम हो गया कैसे मान लो एक जूएस कनाल है एक ऐसे जा रहा था और इसी तरह ब्लॉक हो गया ठीक है इधर भी फंस गया इधर भी फंस गया अब आने जाना बंद हो गया ठीक है इसलिए न्यूज में आया था इसलिए जूएस कनाल से रिलेटेड तीन स्टेटमेंट्स है जिसमें तीनों सही है देखिए दोस्तों जूएस कैनाल इज एन आर्टिफिशियल सी लेवल वाटर इन इजिप्ट कनेक्टिंग द मेडिटेरेनियन सी टू द रेड सी थ्रू थ्रूमस ऑफ एंड डिवाइडिंग अफ्रीका एंड एशिया तो बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड एशियन कॉन्टिनेंट को डिवाइड करते हैं मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करते हैं आर्टिफिशियल सी लेवल है है इजिप्ट इजिप्ट में है, इजिप के में के कंट्रोल बेसिकली देखिए 1859 एंड रेड सी देखिए दोस्तों अगर नहीं होता पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को

कंट्रोल करता था ब्रिटिश एंड फ्रेंच गवर्नमेंट 1956 को इजिप्ट गवर्नमेंट ने इसको नेशलाइज किया और सूएस कैनाल का पूरा ऑपरेशन मेंटेनेंस करने के लिए सूएस कैनाल अथॉरिटी बना दिया राइट right? अब हमारा स्टेटमेंट्स देखिए आप 193 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल सेपरेट्स इजिप्ट फ्रॉम द सिनाई पेनिनसुला एंड आफ्रीकन फ्रॉम एशिया आप देखिए दोस्तों मैप में इसलिए नहीं दिखा रहा हूं इंटरनेशनल मैप सीरीज में मैंने सूएस कैनाल रेड सी मेडिटेरेनियन सी वगैरह जब एक्सप्लेन किया था बेसिकली जब मैं रेड सी एक्सप्लेन किया था तब आपको मैंने ये सिनाई पेनिनसुला यूएस कैनाल ये सब के बारे में बोला था ठीक है इसमें इतना टाइम नहीं है डिस्कस करने के लिए इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ सी कैनाल इज ओन एंड ऑपरेटेड बाई सूएस कैनाल अथोरिटी सेटल बाई इजिप्ट वेरी करेक्ट कैनाल वाज जॉइनली कंट्रोल्ड बाई ब्रिटिश एंड फ्रेंच गवर्नमेंट टिल नाइनटीन फिफ्टी सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है तीनों सही है अब देखिए दोस्तों रेड सी टाइप कीजिए हर्षित द्विवेदी सर के नाम के साथ आपको वो वीडियो मिल जाएगा जिसमें मैंने रेड सी के जितने भी इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशन है हमारे यूपीसी फिल्म्स की परस्पेक्टिव में वो मैंने एक्सप्लेन किया है अब जाके देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव द इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इन जम्मू एंड कश्मीर ओपन फॉर टूरिस्ट कंसिडर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नॉर्ड आंसर ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली देखिए दोस्तों आज की न्यूजपेपर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन के बारे में ये ओपन हुआ है टूरिस्ट के लिए बहुत ही सुंदर गार्डन है अब देखिए दोस्तों इसके बारे में तीन स्टेटमेंट इसमें दूसरा गलत है पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर हम क्वेश्चन पर आएंगे देखिए इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन प्रीवियसली मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर इज इस टुलिप गार्डन इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर इंडिया इट इज अ लार्जेस्ट टुलिप गार्डन इन एशिया स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ थर्टी हेक्टर्स दैट इज सेवेंटी फोर एकर्स तो बेसिकली श्रीनगर में टुलिप गार्डन है टुलिप एक टाइप का फ्लावर है अब देखिए टुलिप गार्डन का नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल इसका पहला नाम था मॉडल फोरिकल्चर सेंटर ये श्रीनगर में है जम्मू एंड कश्मीर में अब देखिए एशिया का सबसे बड़ा सा टुल गार्डन है it is, it is ये इट इज इट इज सिचुएटेड ऑन द ए सब माउंटेन रेंज बिटवीन पीर पंचल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज में आया है इसलिए जोग्राफी के लिए भी ज्योग्रफी में भी इंपॉर्टेंट लोकेशन हो गया ठीक है पीर पंचल एंड ग्रेट हिमालयन रेंज के बीच में सबरवन रेंज है इस गार्डन से दाल लेक दिखता है राइट right? दाल लेक के बारे में आपको मालूम है श्रीनगर में द गार्डन वॉज ओपन इन टू थाउजेंड इन कश्मीर वाली में टूरिज्म का बहुत स्कोप है वही टूरिज्म को थोड़ा और बढ़ावा देने के लिए दो हजार सात में ये इनोग्रेट किया था अब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंडेक्ट टूलिप फेस्टिवल एनुअली दैट एम्स टू एनुअलीस द रेंज ऑफ फ्लावर्स अब देखिए दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है टूलिप फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करते हैं हर साल ठीक है इसको प्रमोट करने के लिए अब मैंने बोला एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन वर्ल्ड का कौन सा है किचन गार्डन इन इज द लार्जेस्ट टूलिप गार्डन इन द वर्ल्ड राइट इट इज सिचुएटेड इन लिजे इन हॉलैंड वेरी क्लोज टू द टाउन ऑफ लेडन एंड नॉट सो फार फ्रॉम द सिटी ऑफ तो करके एक टुलिप गार्डन है वर्ल्ड का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन वैसे दोस्तों एक मूवी है वो तमिल से रीमेक किया था हिंदी में अपरिजित नाम था शायद जिसमें विक्रम करके एक एक्टर एक था साउथ इंडियन एक्टर है तमिल एक्टर है वो हीरो था काफी अच्छा मूवी भी है उस मूवी में गाने में क्यूक एन हॉफ दिखाता है इसलिए मैंने आपको बोला ठीक है उस मूवी मूवी में पहला ये गाना आता है उसमें बहुत ही सुंदर जगह है टुलिप गार्डन क्यूक एन हॉफ हॉल है उसी उधर ही शूट हुआ था वो ठीक है तो अगर आपको क्यूक एन हॉफ देखना है तो वो मूवी का वो गाना देख लीजिए आपको पता चल जाएगा ठीक है आप स्टेटमेंट्स में आ जाइए इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन इज सिचुएटेड हिल्स ऑफ जबरबन रेंज आप देखिए दोस्तों जबरबन रेंज ध्यान दीजिएगा इसके बारे में और भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन जानकर रखिएगा तो अच्छा है ठीक है सेकंड क्या है इंदिरा गांधी मेमोरियल टूलिप गार्डन इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टुलिप गार्डन दो गलत है मैंने आपको बोला हॉर्ड में है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टूलिप गार्डन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंडक्ट टुलिप फेस्टिवल एनुअली वेरी वेरी करेक्ट तो आंसर इज ऑप्शन सी वन एंड थ्री ओनली तो दोस्तों हमारे डेली फाइव मॉक क्वेश्चन खत्म हो रहा है कल एक क्वेश्चन पूछा था एक ड्रिंक और प्लान के बारे में आंसर इज ऑप्शन ए टी इसका सबसे अच्छा क्लू था कैमेलिया सिनेंसिस ये ये नाम से आपको पता होना चाहिए टी के बारे में बात हो रहा है आज का क्वेश्चन देख लीजिए ए नेचुरल स्ट्रेट एंड एन इंटरनेशनली सिग्निफिकेंट वाटर वे लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न टर्की इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया एंड डिवेड टर्की बाई सेपरेटिंग एनाटोलिया फ्रॉम थ्रेस इट इज द वर्ल्ड नैरोवेस्ट स्ट्रेट यूज फॉर इंटरनेशनल नेविगेशन अबाउट विच स्ट्रेट द स्टेटमेंट रिफर्स टू इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो ये वीडियो मैं इधर बंद कर रहा हूँ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ सीखने को मिल रहा है मैक्सिमम वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों व्यूज़ बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है दिन बाई दिन ठीक है मैक्सिमम शेयर कीजिएगा व्यूज़ को बढ़ाने में मेहनत लगता है दोस्तों ये पांच क्वेश्चन बनाने में मुझे लेक्चर की पीडीएफ एस यूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है थैंक यू फॉर वॉचिंग बाई बाई है नाइस डे